जिला में अपराधीन के हौसला कौन मेर से बुलंद है, एक अंदाजा यही बात से लगावा जा सकत है कि अब अपराधीन का प्रशासन के खौफ तो नहीं आए, के साथ उनका केहू के ऊपर रहमो नहीं है, चाहे वह मरीज हो या फिर कोनो गर्भवती महिला। जिला में चोरी और लूट के वारदात लगातार हो रही है। सोमवार का देर शाम शहर के भीतरे एक दरकीपुन के चोरी के बड़ी वारदात भय, जहां सांझ ढलते एक घरे के भीतरे कैश और ज्वेलरी पर चोर अपन हाथ साफ करते रहे। विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल महापूजा अपना पंचे से बजने का प्रणाम करते और शुरू करे थे बड़ी खबर से। चोर जब तिजोरी में अपन हाथ साफ कर रहे तब एक कमरा में अचानक गर्भवती महिला प्रवेश करी, जिसके बाद महिला शोर शराबा मचाई और तब बदमाश महिला के ऊपर हमला बोल दिन। बदमाश गर्भवती महिला का न सिर्फ गला दबाइन बल्कि उसके पेट में लात खलाई मारी, जिसके बाद महिला दर्द से तड़पे लाग और चोर कैश और ज्वेलरी लेके फरार हो गए। बतावा जाता है कि जौने वक्त यह घटना भय उस समय परिवार के लोग घरे के नीचे वाले हिस्से में बैठे रहे, जबकि चोर ऊपर के माले व बने कमरे में सकाई के चोरी करते रहे। तब अचानक महिला अपन काम खत्म करके कमरा में आराम करे पहुंची, जहां बदमाश महिला का देखते हुए ऊपर हमला कर दिन। दरअसल ये चोरी की घटना सोमवार के देर शाम शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के स्थित घोघर तकिया मोहल्ले के बताई जाती। फिलहाल महिला का उपचार के खातिर अस्पताल ले जावा गया है, जहाँ महिला की हालत अब सामान्य है। बताई जाती है कि घटना मां तकिया के रहने वाले नूर मोहम्मद के परिवार मामला में जानकारी दी कि सोमवार के शाम परिवार के सब लोग जब घर में सोवत रहे, सब लोग घर के नीचे वाले कमरा रहे, जबकि महिला खाना बनाए के अपन काम खत्म करके गर्भवती महिला रेशमा आराम करे पहुंची ऊपर के कमरा में। तब दुई नकाबपोश बदमाश का महिला दिखी, जिसके बाद महिला शोर शराबा करब शुरू कर दी। वह बदमाश महिला के शोर शराबा करते उसके पर टूट पड़े और गला दबाए के महिला के पेट में लात घलाए मारे, जैसे बाद महिला दर्द से तड़पे लाग। बदमाश और महिला के बीच छीना झपटी की आवाज सुन के जब परिवार के दूसरे सदस्य ऊपर पहुंचे, तब बदमाश दूसर छत के रास्ता कूद के फरार हो गए। बतावा जाता है कि बदमाश दुई रहे, जेखे चेहरा जे अपन चेहरा नकाब से ढके रहे और 1.5 लाख कैश के साथ तकरीबन 4 लाख रुपया के ज्वेलरी घलाए अपने साथ लूट के फरार हो गए। फिलहाल बदमाशन के हमला से घायल महिला का आनन फानन में अस्पताल ले जावागा और सिटी कोतवाली का सूचना दी गई है। हालांकि महिला का समय पर उपचार मिल जाए के बाद महिला की हालत सामान्य बनी है। वह पुलिस घटना के तफ्तीश करे के बाद चोरन के तलाश में जुटी है। अपन और अपने परिवार के रखी ख्याल दे, इजाजत प्रणाम।